हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम की तैयारी भी आपकी बहुत अच्छे वे में चल रही होगी। तो आई हूँ लेकर आप सभी के लिए एक और धमाकेदार गवर्नमेंट जॉब के अपडेट को लेके, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है IBPS की तरफ से, RRB क्लर्क एंड असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए। धमाकेदार पोस्ट इसलिए बोला है कि टोटल वैकेंसी आपकी 10,000 के अप्रॉक्स रहने वाली है। IBPS इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल की तरफ से आपका ये वैकेंसी कराया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, टोटल पोस्ट है आपका 9995। RRB क्या होता है? रूरल रीजनल बैंक, यानी कि ग्रामीण बैंक के अंदर आपको वैकेंसी निकल के आई है 10,000 के करीब। लेकिन हम लोग जिस पोस्ट के ऊपर बात करेंगे वो है आपका ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1। टोटल पोस्ट अगर देखें तो ऑफिस असिस्टेंट के लिए 5585 रहेगा और ऑफिसर स्केल 1 के लिए 3499, मतलब 3500 के करीब आपका असिस्टेंट मैनेजर और क्लर्क का आपका 6000 के अप्रॉक्स रहेगा। ये ग्रुप सी की पोस्ट है जिसके लिए ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड है, इसके बारे में फुल डिटेल जानना चाहते हैं, तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए, जो कि मैंने अपलोड किया है अपने टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस वैकेंसी के लिए टोटल पार्टिसिपेटिंग बैंक्स आपके 43 यानी 43 बैंक हो जाएंगे। अब दोनों ही पोस्ट को हम लोग कैटेगरी वाइज समझते हैं। पहला जो पोस्ट है ऑफिस असिस्टेंट, इसके लिए जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट का 2332 पोस्ट रहेगा। EWS के लिए 536, OBC के लिए 1313, SC के लिए 938 यानी 1000 के अप्रॉक्स, ST के लिए 466। ऑफिस असिस्टेंट की टोटल वैकेंसी 5585 सीट। ऑफिसर स्केल 1 ये आपका समझिए तो PO यानी प्रोबिशनरी ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर हुआ। जनरल के लिए इसमें आपका 1453 सीट्स होगा। EWS के लिए 338, OBC के लिए 955, SC का 513 सीट है। ST वालों के लिए 240 रहेगा और टोटल आपका 3499 रहेगा। इसको लेके मैंने एक फुल वीडियो थोड़े टाइम पहले ही आपको बना के सारा डिटेल्स बताया था। तो फाइनली अब वैकेंसी आ चुका है। अप्लाई करने का जो डेट है ना फ्रेंड्स, 7 जून से 27 जून, यानी कि आपको ऑलरेडी ये स्टार्ट हो चुका है। इंटरेस्टेड हो तो जल्द से जल्द अप्लाई कर लीजिए। अभी अप्लाई करने की डेट तो हम समझ चुके हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट डेट क्या होता है? एग्जाम का डेट। प्री और मेंस दोनों का एग्जाम डेट आपके एग्जाम कैलेंडर में जारी कर दिया गया है। देखिए, प्री का एग्जाम आपका 3 से 18 अगस्त के बीच में होगा, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ 2 महीने का आपके पास समय है। फिर मेंस का एग्जाम आपका 6 अक्टूबर को होगा। तो तैयारी की स्पीड को करिए बूस्ट, प्रीवियस ईयर की सेट लगाइए, गणना कीजिए, इवैल्यूएशन कीजिए कि आप कहाँ पे वीक है, कौन सा चैप्टर आपका स्ट्रांग है, मॉडल पेपर बनाइए। फिलहाल हम लोग समझते हैं कि दोनों पोस्ट के लिए एज लिमिट यानी कि आयु की क्या सीमा होगी। देखिए, सबसे पहली बात कि 1 जून 2024 यानी कि 1 जून 2024 के अकॉर्डिंग आपका एज कैलकुलेट किया जाएगा। ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के लिए 18 to 28, मतलब 18 से 28 वर्ष होगा। ऑफिसर स्केल 1 के लिए 18 से 30 वर्ष। और जैसा कि आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अपर एज की जो लिमिट है ना, इसमें रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है। फॉर OBC 3 इयर्स का और SC ST के लिए मिलता है 5 इयर्स का। तो अब तो सारी बेसिक डिटेल आप समझ चुके हैं। रही बात कि फॉर्म अप्लाई करते वक्त फी क्या लिया जाता है, देखिए SC ST और फिजिकली हैंडीकैप पर्सन से 175 यानी कि 175 रुपया लिया जाता है। वहीं पर अगर आप जनरल कैंडिडेट हो, EWS हो, तो देखिए OBC सबसे यहाँ पर 850 यानी 850 रुपया लिया जाता है। अब बारी आती है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिजिबिलिटी, कि आपका क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। क्वालिफिकेशन देखिए, सिंपली जिन्होंने भी ग्रेजुएशन कर रखा है, मतलब कि इससे कोई मैटर नहीं करता कि ग्रेजुएशन में आपका आर्ट्स था, साइंस था या कॉमर्स था। आप ग्रेजुएट हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। और एक और टॉपिक ये है कि आपके पास लोकल लैंग्वेज होना चाहिए। जिस भी रीजन का आप फॉर्म अप्लाई करते हैं, वहाँ का आपको रीजनल लैंग्वेज देखना है। लिस्ट जारी किया गया है टोटल स्टेट का, कौन कौन सा बैंक रहेगा, किस स्टेट का क्या रीजनल है। बहुत सारे स्टेट में है कि
ही सिर्फ हिंदी चाहिए, बहुत सारे जगहों पे अलग अलग भाषा रहेगी, तो वो लिस्ट आप चेक करेंगे टेलीग्राम से नोटिफिकेशन डाउनलोड करके। फिलहाल हम लोग समझ लेते हैं कि इन सभी पोस्ट के लिए सिलेक्शन की प्रोसेस क्या रहेगी। देखिए फ्रेंड्स, सिलेक्शन बहुत ही आसान है। आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ दो स्टेज के एग्जाम के ऊपर। पहले स्टेज पर प्रीलिम्स एग्जाम होगा, फिर मेंस एग्जाम होगा, जिसको क्वालिफाई करते ही मेरिट लिस्ट में आएगा आपका नाम और ज्वाइनिंग लेटर सेंड कर दिया जाएगा। चलिए अभी हम लोग फिलहाल प्री एंड मेंस का एग्जाम पैटर्न समझ लेते हैं। पहला जो आपका प्रीलिम्स एग्जाम होता है ऑनलाइन होता है फॉर 80 क्वेश्चन विच इज फॉर 80 मार्क्स, मतलब पर क्वेश्चन मिलते हैं आपको 1 मार्क। टाइम रहता है 45 मिनट्स का और यहाँ पर सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती है, बस 45 मिनट का समय होता है, उसी में आपको दोनों सब्जेक्ट करना होता है। निगेटिव मार्किंग भी है 1/4, यानी कि 0.25 की निगेटिव मार्किंग हो जाएगी। अब अगर सब्जेक्ट वाइज देखा जाए तो रीजनिंग से हो जाएंगे 40 क्वेश्चन और मैथ के 40, मतलब कि रीजनिंग से 40 प्रश्न 40 नंबर के लिए, मैथ से 40 प्रश्न 40 नंबर के लिए। तो प्रीलिम्स में क्वालिफाई करने के बाद आपको मेंस के एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा जो कि ऑनलाइन होगा फॉर 200 क्वेश्चन एंड 200 मार्क्स, मतलब 200 प्रश्न 200 नंबर के लिए, हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क मिलेंगे। टाइम जो रहता है ना 2 आवर्स यानी 2 घंटे का। निगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी 1/4 यानी 0.25 की, यहाँ भी निगेटिव मार्किंग है। अब सब्जेक्ट वाइज बता दूं कि रीजनिंग से आपसे पूछे जाएंगे 40 क्वेश्चन फॉर मैक्सिमम 50, मतलब 40 क्वेश्चन मैक्सिमम 50 नंबर के लिए। कंप्यूटर नॉलेज के 40 क्वेश्चन 20 नंबर के लिए। जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन फॉर 40 मार्क्स। इंग्लिश या हिंदी दोनों में से जिसमें आप कंफर्टेबल होंगे उसके 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए। लास्टली न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स के 40 क्वेश्चन फॉर मैक्सिमम 50 मार्क्स। तो ओवरऑल आपका 200 क्वेश्चन 200 नंबर के लिए, समय 2 घंटे का। तो जब आप मेंस का एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो मेरिट लिस्ट में आपका नाम जारी किया जाएगा। अब रही बात जॉब की, लोकेशन तो ऑल ओवर इंडिया में रहेगी, एग्जाम सेंटर भी आपका नियर बाय सेंटर जो आप चूज करोगे वहां पर रहेगा। लेकिन आप जब जॉब का लोकेशन आप पे डिपेंड करता है, फॉर्म अप्लाई करते वक्त जहाँ का बैंक चूज करेंगे वहाँ का कट ऑफ पार करेंगे तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। आई होप कि सारी बेसिक डिटेल आप समझ गए होंगे। अब जॉब के दौरान सैलरी क्या मिलती है दोनों ही पोस्ट के लिए बता देती हूँ। फ्रेंड्स देखिए, ऑफिस असिस्टेंट यानी कि आपका क्लर्क का वैकेंसी है शुरुआती दौर में आपका 29,000 से 33,000, ये आपका सिटी वाइज डिफर करता है कि आप कहाँ किस लोकेशन पे आपकी जॉब है। ऑफिसर स्केल 1 के लिए 38,000 से शुरुआत होती है और 44,000 तक सैलरी दी जाती है। ये सैलरी बाद में आपकी अच्छी खासी इंक्रीमेंट होती है। देखिए अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, 10,000 के करीब सीट है, ये कम आपकी इस बात नहीं है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के आई है, तो इसका फायदा उठाइए, एक सीट आप अपनी अचीव कर लीजिए। आई होप कि इसके रिगार्डिंग सारा कुछ डिटेल आप समझ गए होंगे। अब भी कुछ डाउट है कमेंट करके क्वेरी सॉल्व कर लीजिएगा अपना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाना ताकि सारी नई जॉब अपडेट की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।